नवरात्र के अवसर पर दुर्गा कन्या कॉलेज में देसी डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने विभिन्न वेशभूषा में गरबा डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देसी डे डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राएं विभिन्न वेशभूषा के साथ ही विशेष परिधान में कॉलेज पहुंचकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान शासकीय डॉक्टर पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित भव्य डांस प्रतियोगिता के आयोजन में कॉलेज की छात्राओं ने लगभग 21 ग्रुप में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान राज गरबे के साथ देसी डे मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां छात्राओं ने दी। इस मौके पर दर्शक दीर्घा में बैठी अन्य छात्राओं का उत्साह भी देखते ही बना। मंच में थिरकते ग्रुप को देखिए भी झूमती नजर आई। देख सकते हैं किस तरह कॉलेज की छात्राओं की भीड़ नजर आ रही है। इस दौरान सभी ने इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य और विभाग अध्यक्ष ने जानकारी दी। विद्यालय में नृत्य विभाग के द्वारा हर साल देसी डे का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग गरबा ग्रुप गरबा कंपटीशन करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर 20 से अधिक ग्रुप हैं, लगभग 22 ग्रुपों ने पार्ट लिया है और सभी के सभी आज आप देख रहे होंगे कॉलेज में पूरा पारंपरिक देसी माहौल है। सभी लोग पाश्चात्य वेशभूषा का त्याग करके आज देसी रंग में रंगे हुए हैं। जितनी लड़कियाँ स्टेज में उससे ज़्यादा लड़कियाँ स्टेज से बाहर और ग्राउंड पे आपको दिख रही होंगी। हमारा मकसद ये रहता है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। बहुत सारी लड़कियों को स्टेज फियर होता है, वो इस माहौल में आकर के दूर होता है और नंबर लगे ना लगे लेकिन उनका उत्साह बहुत बना रहता है और उनका स्टेज फियर हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है कि इसके लिए एनहांसमेंट हो, उनके कौशल का विकास हो। और नृत्यांजलि, राज बिहारी नृत्य संगम ग्रुप, नवनिधि ग्रुप, नाम से आपको लग रहा होगा कि देसी नाम है। हम लोग यहाँ पर वेस्टर्न नाम वेस्टर्न वेशभूषा दोनों का पूरी तरह से परित्याग करते हैं और लड़कियाँ बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज़ में और पूरे कॉलेज का माहौल नवरात्रि के देवी को समर्पित हो जाता है। इस तरह से हम लोग हर साल देसी डे मनाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 7 साल से हो रहा है, जब भी नवरात्रि का पर्व शुरू होता है कॉलेज का उद्देश्य होता है बच्चे गरबा के माध्यम से अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करें। महाविद्यालय का प्रयास ये होता है कि अगर कोई महाविद्यालय की बच्ची गरबा करके अपने नृत्य कला का प्रदर्शन कर सकती है तो उसके हाथों में वो जो त्रिशूल है, भाला है, वो उससे वो अपनी भी रक्षा कर सकती है और समाज की भी रक्षा कर सकती है। हम पिछले 7 सालों से इस प्रयास में लगे हुए हैं। इस बार लगभग 22 टीमें हमारी इस प्रतिस्पर्धा में हैं। 100 छात्राएं हैं जो कि आज प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें जो फर्स्ट आती है, बच्ची टॉप में आती है, ग्रुप आता है, उनको महाविद्यालय की तरफ से एक अच्छी सेल्ड प्रदान की जाती है। बाकी जो अन्य ग्रुप रहते हैं उनको भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों और अपनी कला को निखार सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, प्रयास यही होता है कि नवरात्रों के समय में बच्चे खूब अच्छे से गरबा भी करें, अच्छी पढ़ाई भी करें और माँ दुर्गा का उनको आशीर्वाद मिलता रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।